हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मींस अ पार्ट ऑफ अ होल, मतलब किसी भी चीज़ के पार्ट करना। कोई एक बड़ी चीज़ है, कोई बड़ी थिंग है, उसको अपने को पार्ट करना, उसका क्या मीनिंग होता है। अ होल इज़ ब्रोकन अप इनटू इक्वल पार्ट्स, हमें उस चीज़ के इक्वल पार्ट्स करने। लाइक देखिए, जैसे ये सर्कल है, इसके हमने टू पार्ट्स किए हैं, दो इक्वल पार्ट्स हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, वन एंड अ हाफ। इस सर्कल के टोटल फोर पार्ट्स किए, वन टू थ्री फोर, टोटल फोर पार्ट्स किए हैं। अगर हमने वन पार्ट में शेडेड किया है तो उसको कैसे लिखेंगे, वन अपॉन फोर, क्योंकि हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं, वन टू थ्री फोर, फोर, और कलर किसने किया है, वन पार्ट में, तो उसको ऊपर लिखेंगे, उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा जाता है नंबर उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। जैसे इसमें देखिए, इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, फोर, वन टू थ्री फोर। अगर मैं दो में कलर कर दे रही हूँ तो आप उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, टोटल पार्ट्स कितने हैं, फोर, तो डिनोमिनेटर में नीचे लिखेंगे फोर, और कलर वाले पार्ट्स कितने हैं, टू, तो न्यूमरेटर में लिखेंगे टू। इसमें देखेंगे ट्रायंगल में, इसके कितने पार्ट्स हैं, टू, इसको क्या लिखेंगे, हाफ, हाफ ऑफ पार्ट किए हैं, वन में शेड कर दिया। लाइक जो ऊपर लिखा रहता है नंबर लाइन के ऊपर उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा रहता है उसको डिनोमिनेटर। लाइक इसमें आप देखिए टोटल कितने पार्ट्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो आप कैसे लिखेंगे, नीचे आपका आएगा डिनोमिनेटर में सिक्स, और कलरिंग पार्ट आपके कितना है, वन टू थ्री फोर, फोर। अब आपको यहाँ क्वेश्चन दिया है थ्री अपॉन फोर, दैट मीन्स आपको तीन पार्ट में कलर करना है, जो ऊपर नंबर लिखा रहता है उतने पार्ट्स में आपको कलर करना है, वन टू थ्री, तो आपका थ्री हो जाएगा, देन टोटल पार्ट्स वन टू थ्री फोर फाइव है। इसमें देखेंगे वन टू थ्री फोर, टोटल पार्ट्स कितने हैं, फोर, डिनोमिनेटर में फोर लिखा है, आपको कलरिंग कितने में करना है, जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है उसमें, वन में। लाइक इसमें देखिए, इसमें पिक्चर बना हुआ है, इसमें टोटल फोर पार्ट्स हैं, उसमें दो पार्ट्स में कलर किया है, तो आप क्या लिखेंगे, टू अपॉन फोर, दैट मीन्स आपको इसके टोटल फोर पार्ट्स करने हैं और दो में कलरिंग करना है, टोटल पार्ट्स होंगे फोर। इसमें टोटल वन टू थ्री पार्ट्स हैं, डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे थ्री, और कलर कितने में किया है, टू में, तो टू अपॉन थ्री। इसको रीड कैसे करते हैं, वन थ्री, मतलब उसको कैसे रीड करते हैं, वन थर्ड। किसी भी पिक्चर में अगर उसके सिक्स पार्ट हैं, इस वाली पिक्चर में देखिए आप टोटल सिक्स पार्ट थे, तो उसको अगर हम वन पार्ट में अपन कलर करेंगे, ये सिक्स पार्ट है, और वन में कलर किया तो उसको कैसे रीड करेंगे, वन सिक्स, वन फोर्थ, मतलब टोटल फोर पार्ट हैं, उसमें से आपको वन पार्ट में कलरिंग करना है, तो वन फोर्थ को क्या बोलते हैं, क्वार्टर, हाफ। कोई भी पिक्चर है उसके आपने दो पार्ट किए हैं, हाफ, एक पार्ट में कलर किया तो उसको रीड करते हैं हाफ। अब आप उसमें देखेंगे, इस पिक्चर में देखिए आप, क्या ये इक्वल पार्ट्स है, नहीं है, इक्वल पार्ट्स नहीं है, इसलिए इसका दोनों रॉन्ग होगा, इसमें कोई फ्रैक्शन राइट नहीं है। इसमें देखिए आप दो पार्ट किए हुए हैं और एक में कलर है, तो कौन सा फ्रैक्शन राइट होगा, वन अपॉन टू। इसमें वन टू थ्री फोर, फोर पार्ट्स हैं और वन पार्ट में कलर किया है, तो क्या लिखेंगे, वन अपॉन फोर, ये वाला राइट है। इसी तरह आप बाकी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। अब इस पिक्चर में देखिए आप, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पोर्शन, आपको फ्रैक्शन लिखना है। इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं, टू, और कलरिंग में कितना है, वन, तो वन अपॉन टू, आपको क्या लिखना है, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू। इसमें टोटल पार्ट्स कितने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, डिनोमिनेटर में सिक्स लिखेंगे और न्यूमरेटर में वन टू थ्री फोर, फोर पार्ट में कलरिंग। इस तरह आपको बाकी एक्सरसाइज फिल करनी है। कलर द फ्रैक्शन गिवन, जैसे कि आपको इसमें थ्री अपॉन फाइव है, थ्री पार्ट्स में कलरिंग किया हुआ है, टोटल फाइव पार्ट्स हैं। फोर अपॉन सेवन, मतलब फोर पार्ट में आपको कलर करना है, फोर एप्पल्स में। इसी तरह बाकी की एक्सरसाइज आप डन करेंगे। कनेक्ट सिमिलर फ्रैक्शन, अब आपको बताना है कि कौन से सिमिलर हैं। जैसे कि इसमें टोटल पार्ट्स कितने, वन टू थ्री फोर, तो इसका आंसर है टू अपॉन फोर। अब आपको सेम नंबर देखना है कि टू अपॉन फोर किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, वन टू थ्री फोर, टू अपॉन फोर। इस तरह आपको सिमिलर जो फ्रैक्शन है उसको फाइंड करना है। आई होप आपको फ्रैक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।